ब्रेक एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? ब्रेक, सबसे पहले हमें ब्रेक पढ़ना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक पढ़ने के बाद हम डायनेमोमीटर पे आएंगे, ठीक है, डायनेमोमीटर पे आएंगे। तो बेसिकली ब्रेक क्या होता है, ठीक है, ब्रेक सबसे पहली चीज की ब्रेक क्या होता है, ब्रेक क्या एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम वर्चुअल या ये कह लो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते कराते हैं किसी भी मूविंग बॉडी को, जिससे कि हम उसकी स्पीड को या उसको रेस्ट में ला सके, तो इसको उसको डी एक्सलेट कर सकें या स्टॉप कर सकें या रेस्ट में ला सकें, समझे। और ब्रेक कैन बी अ डिवाइस और इज अ डिवाइस बाय बाय मींस ऑफ व्हिच आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू अ मूविंग मशीन मेंबर, टू अ मूविंग मशीन मेंबर, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, इज अप्लाइड टू अ मूविंग मशीन मेंबर, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ अ मशीन, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिटार्ड या स्टॉप द मोशन ऑफ द मशीन। और बेसिकली जब भी, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मान लो अगर हम व्हील व्हील की बात करें, अपने बाइक की या अपने साइकिल की बात करें, हम क्या करते हैं, साइकिल के पास कौन सी एनर्जी है, साइकिल के पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हम ब्रेक को अप्लाई करके आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं रबड़ के थ्रू, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो साइकिल की काइनेटिक एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो ये बताओ, हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अब ये बताओ, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ब्रेक के अरे साइकिल के पहिए की जो काइनेटिक एनर्जी है, हमने उसको खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, मतलब एक अगर 100 उसकी वैल्यू थी किसी टाइम पे, तो हम उससे क्या करते हैं, ब्रेक लगा के जीरो कर देते हैं। तो ये जो एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुई होगी, क्योंकि एनर्जी हमें पता है कि ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये बताओ कि ये एनर्जी गई कहाँ पर, सबसे पहली चीज। तो तुम देखोगे कि आवाज नहीं आ रही है सर। अब ऑडिबल होगा, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि देखो, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, व्हील के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, हम उस पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस लगा के हम उस व्हील की काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर रहे हैं, ठीक है, उसको जीरो की तरफ लेके जा रहा है। तो उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, हमें ये पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वजह से कि कोई भी एनर्जी वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो अगर यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, वो किसी न किसी फॉर्म में वो कहीं बढ़ भी रही होगी। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे हीट एनर्जी, वो क्या होगा कि ब्रेक लाइनिंग, ब्रेक हमारा इंक्रीज, वहाँ पे जो जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो ब्रेक हमारा हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होने लगेगी, ठीक है, रिलीज होने लगेगी। तो वही कह रहा है कि द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ब्रेक इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और दिस हीट इज डिसिपेटेड इन द सराउंडिंग एयर या वाटर विच इज सर्कुलेटेड थ्रू द पासेस इन द ब्रेक ड्रम, सो दैट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द ब्रेक लाइनिंग डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी हीट जनरेट होती है, या तो वो एयर में ट्रांसमिट हो जाती है या ब्रेक लाइनिंग को हीट करती है। तो इससे ये चांस होती है कि जैसे हमारा साइकिल है, तो ये जरूरी नहीं है कि साइकिल में उतनी स्पीड नहीं होती, लेकिन अगर हम कोई ऐसा मूविंग मशीन है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और हमारी जो ब्रेक लाइनिंग है वो उस कैपेसिटी के नहीं है कि उतनी हीट को वो एब्जॉर्ब कर सके, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, हीट हीट की वजह से हीट को एब्जॉर्ब कर रही होगी, तो
हीट केस में क्या होगी, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं अलग से कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, सो दैट एक्सेसिव हीटिंग ऑफ ब्रेक लाइनिंग डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अब बात आती है द कैपेसिटी ऑफ ब्रेक डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, कि यूनिट उसकी कैपेसिटी है, जो ब्रेक की कैपेसिटी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, द यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेस, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू, ठीक है, न्यू क्या डिसाइड करेगा, न्यू देखो फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली क्या होता है, न्यू इनटू एन होता है, ठीक है, अगर एफ इज इक्वल टू न्यू इनटू एन होता है, एन क्या है तुम्हारा जो ब्रेक लाइनिंग और जो तुम्हारा सरफेस है, जिस सरफेस के साथ वो कॉन्टेक्ट में है, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स फैक्टर रहा वो, ठीक है, अगर हम किसी तरीके से अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ती है घटती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि द कोफिशिएंट जो कैपेसिटी ब्रेक की कैपेसिटी कितनी है वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर किसी ब्रेक की अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शनल सर्फेस, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शनल सर्फेस, अब देखो कोई भी फ्रिक्शनल सर्फेस, ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज द यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेस, यूनिट प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है, फिर पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम, ठीक है, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कैसे वेलोसिटी या कितने तरीके के ब्रेक होते हैं और कैसे कैसे वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी बस समझ लो कि द कैपेसिटी ऑफ ब्रेक जो है जो इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है, द यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेस, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेस, द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम, द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शनल सर्फेस एंड द एबिलिटी ऑफ द ब्रेक टू डिसिपिटेट हीट इक्वलेंट टू द एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, द मेजर फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अ क्लच एंड द ब्रेक इज दैट अ क्लच इज यूज्ड टू कीप द ड्राइविंग एंड ड्रिवन मेंबर मूविंग टुगेदर, वेयर एज ब्रेक्स आर यूज्ड टू स्टॉप अ मूविंग मेंबर और टू कंट्रोल द स्पीड, ठीक है, ये बेसिकली ये कह रहा है, यहीं पे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है द फंक्शन द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अ क्लच एंड ब्रेक इज दैट अ क्लच इज यूज्ड टू कीप द ड्राइविंग एंड ड्रिवन मूविंग मेंबर और टू कंट्रोल इट्स स्पीड, ठीक है द मेजर फंक्शनल बिटवीन अ क्लच एंड अ ब्रेक इज दैट a clutch is used to keep the driving, देखो क्लच का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है, जब भी हम क्लच दबाते हैं, ठीक है, क्लच दबाते हैं या क्लच छोड़ते हैं तो गियर कैसे अटैचमेंट और डी अटैचमेंट, कभी देखना यूट्यूब पे वीडियो पे, दुनिया मतलब कई सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वहां पे देखना तुम्हें समझ में आएगा कि जब हम क्लच को जब हम दबाते हैं, पुश करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, जब पूरा क्लच ले लेते हैं उसमें क्या होता है, डिसइंगेजमेंट होने लगता है, ठीक है, उसी समय हम ब्रेक क्यों लगाते हैं, उससे क्या होता है कि डिसएंगेजमेंट होने के बाद हम किसी भी ब्रेक गियर को चेंज कर सकते हैं, जैसे ही क्लच हम छोड़ते हैं वो क्या करता है, वो डिसएंगेजमेंट खत्म हो जाता है, वो सारे के सारे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वही कह रहा है कि जो क्लच और ब्रेक में दो मेजर फंक्शन होते हैं, क्लच का काम क्या होता है, वो क्या कहते हैं ड्राइविंग इधर होता है और इधर ड्रिवन होता है, इन दोनों के बीच में क्लच होता है, ठीक है, जैसे ही हम क्लच लगाते हैं ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए देखो तुम क्लच जब भी दबाते हो, ठीक है, क्लच दबी जाए कभी पूरा का पूरा दबा लो और एक्सीलेटर लो, उससे क्या होता है तुम कितना भी एक्सीलेटर लो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज नहीं होती है, क्यों, क्योंकि जब हम क्लच पूरा क्लच ले लेते हैं होता क्या है कि उस समय गियर और तुम्हारा जो ड्राइविंग शाफ्ट है, जो तुम्हारा ड्रिवन शाफ्ट है और ड्राइविंग शाफ्ट है, इन दोनों के बीच में कोई एंगेजमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम क्लच को रिलीज करते हैं उसमें क्या होता है, उस समय वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाते हैं, ठीक है, इसे उसके बाद जब हम एक्सीलेटर लेते हैं तो बाइक जो है वो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करने लगती है, ठीक है, तो वही ये कह रहा है। और द कैपेसिटी यहाँ पे ये है, द कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ अ ब्रेक डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, यूनिट प्रेशर बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सर्फेस, द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ब्रेक ड्रम, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शन सर्फेस एंड द एबिलिटी ऑफ द ब्रेक टू डिसिपेट
हीट इक्विवेलेंट टू द एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, इक्विवेलेंट टू द एनर्जी एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है कि हमारा जो मटेरियल होना चाहिए, ब्रेक का जो मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक का मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो द मटेरियल यूज फॉर द ब्रेकिंग एलिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तुम खुद सोचो क्या होना चाहिए, कि इट शुड हैव हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद मिनिमम फैडिंग, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि द इन अदर वर्ड्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा क्यों होना चाहिए, तुम ये देखोगे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है, ठीक। अब ये बताओ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एन। तो अगर ये बताओ हमें क्या बेसिकली हमारा काम क्या होता है, कि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो तुम्हारा हमारा ब्रेक लाइनिंग है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को प्रोड्यूस करे, जिससे कि हमारा जो स्पीड है वो होती बहुत आसानी से, मतलब जल्दी से जल्दी हमारा रुक जाए, ठीक है। अगर ये देखोगे कि म्यू इनटू एन इन दोनों के केस में, इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज बड़ी हो जाती है तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी प्रेशर, मतलब प्रेशर जो भी कॉन्टेक्टिंग सर्फेस है उन दोनों के बीच का जो प्रेशर कितना लग रहा है वो उस पर डिपेंड करेगी एन के वैल्यू। और ये क्या है, ये तुम्हारा मटेरियल, ये किसी मटेरियल की वैल्यू है, मटेरियल ये तुम्हारा मटेरियल किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इट शुड, सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड हैव लो वियर रेट, क्योंकि देखो हीट रिलीज हो रही है और साथ के साथ इरोजन भी हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन दोनों के बीच, दोनों सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। तो हो सकता है वियर हो, टियर हो, वियर हो, तो उसके साथ उसका क्या, वियर जितना कम होगा ब्रेक लाइनिंग हम उतनी देर से लगाते, मतलब उसकी लाइफ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इट शुड हैव हाई हीट रेजिस्टेंस, मतलब जो हाई हीट जो दोनों सर्फेस के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों, उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट शुड हैव हाई हीट डिसिपेशन कैपेसिटी। अब ये बताओ कोई भी बॉडी अगर हम उसे लगातार हीट देते जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो उसे रिलीज नहीं कर रही है, मतलब ट्रांसमिट आगे नहीं कर रही है, तो क्या होगा, हीट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, जैसे हमारे ही शरीर में, ठीक है। हम अगर कहीं हमारे शरीर में अगर हम कुछ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो एनर्जी आती है, एनर्जी रिलीज होती है। मान लो कुछ ऐसा डाइट हम खा रहे हैं जिससे कि हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, तो हमें क्या होता है, गर्मी महसूस होती है, ठीक है, गर्मी महसूस होती है। गर्मी क्यों महसूस होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो एनर्जी फॉर्म होती है, जो हमारा जो भी हम डाइट खाते हैं वो क्या होता है, एक तरह का ग्लूकोज होता है, ठीक है, जब हम उसको केमिकल उसमें रिएक्शन होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसीलिए कभी भी कभी देखो जब लोग हैवी खाना खा लेते हैं जिसमें मसाले वगैरह ज्यादा होते हैं, उसमें क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, या जो भी एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मान लो हम पंखा बंद कर दें, ठीक है, पंखा बंद कर दें, कहीं फैन बंद कर दें, तो होता क्या है, खाना खाने के बाद हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, हीट तो हमारे निकल रही होती है, हमारे पोर्ट से, स्किन के पोर्ट से बाहर तो आती है, लेकिन उसको ट्रांसमिट होने में बहुत स्पीड कम होती है। तो फैन चलाने से क्या होगा, तो वो जो ट्रांसमिशन रेट है, ये क्या होता है, फैन जो होता है हमारा फोर्स कन्वेक्शन की तरह एक्ट करने लगता है। जो हमारा फैन होता है, फैन जो है फोर्स कन्वेक्शन की तरह एक्ट करने लगता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जो भी एयर आती है उसके वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, कि वो हमारे शरीर से हीट को ट्रांसमिट करने लगती है, बाइक कन्वेक्शन को ट्रांसमिट करने लगती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे हमारा ब्रेक लाइनिंग होना चाहिए, उसको उसके अंदर भी हमारी हीट डिसिपेशन, मतलब उसके अंदर हीट को आगे ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ को, क्योंकि देखो ब्रेक लाइनिंग, ठीक है, हम ब्रेक लगाते हैं, तो जो ब्रेक लाइनिंग होती है
ठीक है, उस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है ऊपर से भी और नीचे से भी, उसके बीच में जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लाइनिंग क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है, नीचे से भी प्रेशर पड़ता है ऊपर से भी प्रेशर पड़ता है, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मतलब उस पर अगर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो पड़ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स जो पड़ रहा है उस सिचुएशन पे वो मतलब टूट ना जाए, ये उसमें देखना होता है कि उसको वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए या टूट ना जाए। जैसे किसी भी कोई भी बॉडी हो उसी कुछ टेंसाइल या कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, उसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कह लो वो अच्छी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई मॉइस्चर एंड ऑयल, ठीक है, वो मॉइस्चर और ऑयल, मॉइस्चर और ऑयल की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है और ब्लैक लाइनिंग, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। ठीक है, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, ठीक है, ब्रेक लाइनिंग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कास्ट आयरन का ब्रेक लाइनिंग होगा, ठीक है, ब्रॉन्ज का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, वुड का हो सकता है, ठीक है, फाइबर का हो सकता है, कॉर्क हो सकता है, ठीक है, कॉर्क की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए जो पॉइजन रेशियो म्यू तुम लोगों ने सोम में पढ़ा होगा, उसकी वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्क की एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है, यहाँ पे ये पॉइजन रेशियो है, ये तुम्हारा पॉइजन रेशियो, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइजन रेशियो है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइजन रेशियो इसकी वैल्यू 0 होती है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, पॉइजन रेशियो इक्वल टू लेटरल माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। 0 होने का मतलब क्या है कि मतलब अगर उसके उसको अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई भी हम स्ट्रेन देते हैं, कोई भी स्ट्रेन अगर प्रोवाइड कराते हैं, तो उसकी वजह से जो उसके लेटरल डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको म्यू की वैल्यू उसकी 0 होती है, म्यू की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और के केस में, ठीक है, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टो ब्लॉक, एस्बेस्टोन और मेटल, मेटल ऑन कास्ट आयरन, ये सारे के सारे ब्रेक ब्रेक लाइनिंग है, ये सारे के सारे क्या है, ब्रेक लाइनिंग है, इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं, ड्राई, ग्रीसी और लुब्रिकेटेड, ठीक है, ग्रीसी जहाँ पे ग्रीस ग्रीस के साथ यूज किया जाता है, अलाउबल प्रेशर, ये क्या है, अलाउबल प्रेशर है कि कितना वो मटेरियल कितना प्रेशर अलाउ कर सकते हैं, झेल सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है और हमारा जो सिचुएशन है वो कैसे उसके अकॉर्डिंग मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें लगाना है उसमें कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, कितना प्रेशर ब्रेक लाइनिंग को बियर करना, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से चूज करेंगे, ठीक है, ये हमें जानने की मतलब ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ये मतलब एक तरह से पहले एक्स्ट्रा है कि ये इन इन तरीकों के ब्रेक लाइनिंग तो नहीं यूज होते हैं, ठीक है, ये डाटा से मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ ब्रेक, ठीक है, हमें बेसिकली मैकेनिकल ब्रेक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेक में देख लो, ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कौन कौन से ब्रेक्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेक की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेक, देखो अकॉर्डिंग टू द मीन्स, अकॉर्डिंग टू द मीन्स फॉर ट्रांसमिशिंग द एनर्जी बाय ब्रेकिंग एलिमेंट, तीन तरीके के ब्रेक हैं, एक तो हाइड्रोलिक ब्रेक,
इलेक्ट्रिक ब्रेक और मैकेनिकल ब्रेक। बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, ये मैकेनिकल ब्रेक कैसे वर्क करता है हमें ये पढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक कहाँ यूज होता है, पंप्स और हाइड्रोडायनेमिक ब्रेक में या फ्लूड एजिटेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक जनरेटर और एडी करंट ब्रेक्स, ठीक है, ये कहाँ यूज होते हैं उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। जनरेटर में स्पीड कम करने के लिए होता होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो है मतलब है सिर्फ मैकेनिकल ब्रेक्स है, हमें मतलब सिर्फ मैकेनिकल ब्रेक्स है। वही कह रहा है कि द मैकेनिकल ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स, मैकेनिकल ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स मे बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, या तो रेडियल ब्रेक्स होंगे, ठीक है, या तो वो रेडियल ब्रेक्स होंगे और दूसरा रेडियल ब्रेक होंगे या एक्सियल ब्रेक होंगे, ठीक है, रेडियल ब्रेक होंगे या तो वो एक्सियल ब्रेक होंगे। अब ये देखोगे कि रेडियल ब्रेक में क्या होता है, फोर्स जो इस पे रेडियल ब्रेक क्यों कहा जाता है कि इनमें जो फोर्स एक्ट करता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम, वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जो फोर्स एक्ट करता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, और द रेडियल ब्रेक्स मे बी सब डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल ब्रेक और इंटरनल ब्रेक, एंड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द फ्रिक्शन एलिमेंट दीज ब्रेक्स मे बी कॉल्ड ब्लॉक और शू ब्रेक और बैंड ब्रेक, ठीक है। और एक्सेल ब्रेक में क्या होता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम वो जो होता है वो एक्सेल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, जो हमारा डिस्क ब्रेक होता है, ठीक है, हमारा जो डिस्क ब्रेक होता है या कोन ब्रेक भी होता है, ठीक है, उसको हम वो क्या होता है एक्सेल ब्रेक होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक्सेल ब्रेक होता है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये ड्रम ब्रेक या ब्लॉक इसको रेडियल ब्रेक, ठीक है, रेडियल ब्रेक तुम्हारा ये ब्लॉक ब्रेक क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है ये अभी तो हमें आगे पता चलेगा जब हम आगे इसके बारे में डिटेल इस पर कैसे कैसे फोर्सेज लग रही हैं ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है, तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। और एक्सेल ब्रेक कौन से होते हैं, डिस्क ब्रेक और कोन ब्रेक, जहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रेक इज इन एक्सेल डायरेक्शन, जो इस पर फोर्स एक्ट करता है वो एक्सेल डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसमें क्या है, जो फोर्स एक्ट करता है वो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है हम उसको ये कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है हम उसे रेडियल ब्रेक कहते हैं। अब हमें आगे जो पढ़ना है, अब हमें यही पढ़ना है सिंगल ब्लॉक शू ब्रेक, ठीक है, सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक रेडियल ब्लॉक में आता है, ठीक है, ये सारे के सारे रेडियल ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, यहीं से हमें स्टार्ट करना है आगे, इसकी मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, कैसे किस तरीके से फोर्सेस लगती हैं, ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़ना है जो हम कल से पढ़ेंगे। ये इसका फिगर है, ठीक है, इसका फिगर है, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तुम्हारा डिस्क ब्रेक शू ब्रेक है, ठीक है, शू ब्रेक, तो किसी को कोई